वेलकम टू एनिट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल चटनी जो बनती है हरे लहसुन से। आप सभी को पता होगा कि अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है और हरे लहसुन बहुत ही अच्छे और फ्रेश आ रहे हैं, तो हम हरे लहसुन की चटनी बनाएंगे जो आप कोई भी चाट भी कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं। हरे लहसुन के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए हमें हरे लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। हरे लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बंच हरा लहसुन, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, काला नमक, अखा ज़ीरा, नमक और नींबू। ये रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है, बस हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में ग्राइंड कर लेना है और हमारी हरी चटनी तैयार है। ये बहुत ही यमी रेसिपी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर हम हरा लहसुन खाएंगे हर साल तो हमारी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी, इसीलिए हमें ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। हम हरे लहसुन को नॉर्मल लहसुन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं जब तक कि इसका सीज़न चल रहा है, ये भी बहुत हेल्दी होगा। बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीके से चटनी बनाते हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आपको ये चटनी थोड़ी थिक ही रखनी चाहिए, पर आप अपने हिसाब से इसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारे हरे लहसुन की चटनी अब तैयार है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एनएच किचन। थैंक यू।